यूआई एंड यूएक्स डिजाइन क्या होते हैं और क्या मैं इसको एज अ करियर ले सकता हूं, और करियर मैं इसको सीखने के बाद आगे मैं जो है इसमें कैसे काम कर सकता हूं। अगर आप ये पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यूआई एंड यूएक्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिकॉज यहां पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है। यूआई लिखने के बाद ऑब्लिक लगाकर फिर यूएक्स लिखा जाता है और कहीं कहीं पे आपको यूएक्स ऑब्लिक फिर यूआई देखने को मिलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है तो चलिए पहले इनका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। यूआई यूआई जो है वो स्टैंड करता है आपका यूजर इंटरफेस के लिए। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है चलो उसको समझ लेते हैं। तो यूजर इंटरफेस से फॉर एग्जांपल आप कोई एक एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका जो सामने आपको जो दिख रहा है जो भी लेआउट है जो आपको उसकी फंक्शनैलिटी है दैट इज कॉल्ड द यूजर इंटरफेस। चाहे फिर वो आपकी किसी बड़े सॉफ्टवेयर की हो या फिर आपके कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह की हो। फिर दूसरा होता है आपका यूएक्स। यूएक्स स्टैंड करता है आपका यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन डिजाइन करी गई है या जो भी आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं उसमें यूज करने के बाद यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि अगर कोई से फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन डिजाइन करी, अब उस एप्लीकेशन को मैंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, अब लोग मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर तो रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन डाउनलोड करने के बाद में उनको समझ में नहीं आ रहा कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो है यूज कैसे करना है, ये काम कैसे करेगी, कैसे मुझे बेनिफिट देगी। तो इसका मतलब है कि मैंने यूएक्स के ऊपर में काम नहीं किया, मैंने यूआई के ऊपर में तो काम कर दिया लेकिन यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर में काम नहीं किया। तो यानी कि यूजर एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि जो भी हम एप्लीकेशन या जो भी हमारे इंटरफेसेस हैं उनको कुछ इतना आसान तरीके से या फिर यूजर फ्रेंडली तरीके से जिससे कि कोई यूजर अगर फॉर द फर्स्ट टाइम भी हमारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पता लग जाए आसानी से बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट से कि एक्चुअली इसको कैसे यूज किया जाता है। अगर जो है हम इसको करने में सक्षम हुए तो मतलब कि हमने यूएक्स के ऊपर में बहुत अच्छा काम कर लिया। अब यहां पर जो है बहुत सारी अब यूएक्स की जो डिजाइन है और यूआई जो है वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ यूएक्स ओनली, बिकॉज यूजर एक्सपीरियंस देना है तो आपको यूआई के ऊपर में भी काम करना रहेगा कि कैसा इंटरफेस होगा, कैसा फिर जो है यूजर उसको एक्सेस करेगा, कैसा उसको आगे का जो फीडबैक है उसकी आएगी। तो अगर मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी ने जो है यूएक्स के ऊपर में यूआई के ऊपर में काम नहीं किया और ऐसे में जो है यहां पर कोई भी एक बड़ी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, अब वो क्योंकि आपने तो बहुत कंपनी ने पैसे लगाए और पैसे लगाने के बाद उस एप्लीकेशन को डिजाइन करा और लॉन्च कर दिया, लेकिन अगर वो मार्केट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई, लोग उसको डाउनलोड करने के बाद फिर उसको अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी यूएक्स है वो आपका परफेक्ट नहीं है और ऐसे में आपका जो है करोड़ों रुपया जो डूब सकता है या लाखों रुपए जो भी आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे हैं एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते वक्त, तो इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर में काम नहीं किया गया। अब इसी वजह से यहाँ पे जो यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं तो उनको जो है पहले इस चीज पे लगाया जाता है कि एक्चुअली हम ये एक सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं तो अब इसमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसी वजह से उसके ऊपर में जो है यूएक्स डिजाइनर यूआई जो डिजाइनर्स हैं वो पहले काम करते हैं कि इसका लुक एंड फील कैसा होगा, इसकी फंक्शनैलिटी कैसा कैसी होगी। तो ये जो है पूरा आपका एक यूजर को लेआउट्स देना, उसके कलर थीम्स देना, प्लस उसके ऊपर में जो है एक यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो जनरेट करना, इसी को हम यूआई एंड यूएक्स डिजाइन कहते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे इसको सीख लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत स्कोप है, क्योंकि डेली बेसिस पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर में नए नए जो फीचर्स हैं वो इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं। सो बेसिकली ये अपग्रेडेशन के पीछे जो काम कर रहे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं यूएक्स एंड यूआई डिजाइनर्स। सो अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर मिल जाती है। मैं अगेन यहाँ पे सैलरी पैकेज में कोई फिगर्स पे नहीं जाऊंगा, आपको करीब यहां से
9 to 15 lakh जो है पर एनम का पैकेज भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपको फॉर दी एज अ फ्रेशर नहीं मिलेगा, आपके पास में थोड़ा सा काम होना चाहिए, आपके पास में उसमें कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होना चाहिए, आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में ये कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने करे हैं, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो पैकेज मैंने बताया ये आपको पैकेज आसानी से किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर मिल सकता है। सो गाइस, आई होप कि आपको यूआई एंड यूएक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर में रेगुलर हम बहुत सारी इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो वीडियोज हैं वो हम पब्लिश कर रहे हैं। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, एक नए टाइटल के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।